हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आऊं ब्लैक एंड डेकर का ये मल्टी इवो टूल। तो आइए आज करते हैं इस टूल को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये टूल लेने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पास एक तो ये मल्टी इवो टूल हो गया, साथ में एक हैमर अटैचमेंट भी है। चलिए सबसे पहले टूल को देखते हैं। ब्लैक एंड डेकर का ये टूल आता है कुछ इस टाइप के केस में। ये स्टार्टर किट है, तो इसमें एक ड्रिल अटैचमेंट ऑरेंज भी साथ में मिलती है। ये ब्लैक एंड डेकर का MT218 की है मल्टी इवो। इसमें 1.5 एम्पेयर आवर की 18 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। बॉक्स में MRP 10,500 रुपीस है, जबकि ये आपको Amazon पर 6,500 रुपये में मिल जाएगा। कैसा ही दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मॉडल नंबर आप पढ़ लीजिए। ये PRC में बना है, 2 साल की वारंटी भी है, और इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें लिथियम आयन बैटरी है। चलिए अब इसको करते हैं अनबॉक्स। केस में सबसे ऊपर हैं ये कुछ मैनुअल्स, आगे हैं मेन टूल, और ये कुछ एसेसरी किट। ये है ब्लैक एंड डेकर का मल्टी इवो। दिखने में ये कुछ इस टाइप का है, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है इसको पकड़ना। थोड़ा सा बल्की है क्योंकि इसके अंदर ब्रश मोटर है। मैं इसके हेड को सेपरेट कर सकता हूँ, इसको प्रेस करके मैं हेड को बाहर निकाल सकता हूँ। ये इसका हेड हो गया और ये इसकी बॉडी होगी। बॉडी में मोटर है, कंट्रोलर है, और हेड में सारे गियर्स हैं। स्टार्टअप किट में एक ड्रिल हेड साथ में मिलता है। इसमें आगे 10mm का कीलेस चंक है। यहाँ पर आप टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हो अप टू 10, और फाइनली स्क्रू ड्राइवर मोड। चलिए इसको वापस लगा देते हैं, ये कुछ इस टाइप से वापस लग जाता है। बॉडी में आपको ऊपर की साइड को ये स्क्रू ड्राइवर बिट मिल जाएगी। ये मैग्नेट से बॉडी पर आसानी से अटैच हो जाती है। यहाँ पर इसकी मोटर होगी, ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए हो गया। ये इसका ट्रिगर हो गया, हैंडल, बेस, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होती है, और एक LED भी है। चलिए बैटरी को भी देख लेते हैं। ये 18 वोल्ट की 1.5 एम्पेयर आवर की लिथियम आयन बैटरी है। ये इसका लैच हो गया और यहाँ पर इसकी कनेक्टर्स हो गए। चलिए इस बैटरी को लगाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर मैं टॉर्क को एडजस्ट कर सकता हूँ। स्पार्क कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ब्रश मोटर है। चलिए अब इस हेड अटैचमेंट को भी देख लेते हैं। मल्टी इवो का ये हेड आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये मल्टी इवो का MTH D5 है, साथ में 2 बिट्स भी आती हैं, 2 साल की वारंटी है। इसके फीचर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। बॉक्स में MRP है 3,200 रुपीज़, जबकि ये आपको Amazon पर 2,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। काफ़ी मुश्किल है इसको खरीदना। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक वारंटी कार्ड, एक यूज़र मैनुअल, मेन हैमर हेड, काफ़ी भारी है, बल्की है, और 2 ड्रिल बिट्स, एक 8mm की है और एक 10mm की। तो बस डिब्बे में यही कुछ आता है। चलिए अब देखते हैं इस हेड को। दिखने में ये हेड कुछ इस टाइप का है, काफ़ी भारी है, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में। यहाँ पर हैमर का निशान है, यहाँ पर गियर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट गियर में ये 450 RPM तक, और सेकंड गियर में 1450 RPM तक ये जा सकता है। यहाँ पर डायल है जिसमें आप टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हो अप टू 9, और उसके बाद ड्रिल मोड हो गया, और फाइनली हैमर मोड। हैमर मोड में दोस्तों जो ड्रिलिंग है वो रोटेशन के साथ साथ हैमरिंग से भी होती है, जिससे कंक्रीट में, वॉल्स में, ब्रिक्स में काफ़ी आसानी से ड्रिलिंग हो जाती है। नहीं तो दोस्तों अगर आप घुमाते रह जाओगे ड्रिलिंग फास्ट नहीं होगी, और कई बार होती भी नहीं है। चलिए अब इसको अटैच करते हैं। सबसे पहले मैं जो साथ में ड्रिल अटैचमेंट आ रखी है उसको निकाल देता हूँ। आप यहाँ पर कंपेरिजन दे सकते हो हैमर अटैचमेंट कितनी बड़ी है और ये जो ड्रिल अटैचमेंट है वो कितनी हल्की है। चलिए इसको लगाते हैं।
अब ये टूल काफी भारी हो गया है, हैमर अटैचमेंट के बाद काफी भारी हो गया है। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं। काफी आसानी से ये स्क्रूज को लगा देता है और अगर निकालने की बात करें तो काफी आसानी से ये निकाल भी देता है। ओ माय गॉड, टूट गया। जिप्सम के स्क्रूज हैं तो थोड़ा बहुत तो टूटेंगे ही। साथ ही में मैंने इसके लिए एक जिग्सॉ अटैचमेंट भी लिया है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, मल्टी ईवो का ये MTJS1 है। स्पीड इसमें है 0 से लेके 2700 पर मिनट की। साथ में कुछ ब्लेड्स भी आते हैं जिनको आप काफ़ी आसानी से इसके अंदर लगा सकते हो। आपको बस एक लीवर है, इसको ऊपर की साइड को पुश करना है और ब्लेड को अंदर डाल देना है। तो ये अब जिग्सॉ रेडी टू यूज़ है, इसको मैं लगा देता हूँ। अब ये रेडी टू यूज है, आइए अब इसको यूज करते हैं। तो यहां पर मैं इस लकड़ी को काटने जा रहा हूं। साइड में इसके इन प्लेन कॉर्नर से मैं लेवल कर सकता हूं। अब मैं इस हैमर अटैचमेंट को लगा रहा हूं। ब्रिक्स के लिए ये अटैचमेंट काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी आसानी से ये कंक्रीट और मशीनरीज पर ड्रिलिंग कर देता है। वाओ, अमेजिंग। ऑल्दो आप इस अटैचमेंट से भी ड्रिलिंग कर सकते हो, बट अगर आपको कंक्रीट पर करनी है या फिर आपको ब्रिक्स पर करनी है तो डेफिनेटली आपको हैमर अटैचमेंट की जरूरत पड़ेगी, इससे ड्रिलिंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा ब्लैक एंड डेकर का मल्टी ईवो टूल विथ हैमर अटैचमेंट। लुक एंड डिज़ाइन में ये काफ़ी बढ़िया है, विद हैमर अटैचमेंट ये काफ़ी भारी हो जाता है। परफॉर्मेंस में काफ़ी पावरफुल है, इससे मैं आराम से कंक्रीट में अप टू 10 mm तक, स्टील में अप टू 10 mm तक और वुड में अप टू 25 mm तक ड्रिल कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है और सबसे बढ़कर कि इसमें आप हेड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको इम्पैक्ट ड्रिल चाहिए आप इम्पैक्ट ड्रिल वाला हेड लगा लीजिए, अगर आपको सेंडर चाहिए आप सेंडर वाला हेड लगा लीजिए, अगर आपको इम्पैक्ट ड्राइवर चाहिए आप इम्पैक्ट ड्राइवर वाला लगा लीजिए, अगर आपको जिग्सॉ चाहिए जिग्सॉ वाला लगा लीजिए, कैंची चाहिए कैंची वाला लगा लीजिए, अगर आपको हवा भरनी है तो आप हवा भरने वाला लगा लीजिए। तो इस टाइप से आप हेड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें लगा सकते हो और खरीद सकते हो। तो मैं तो इसको रेकमेंड करूँगा, बाकी आप बताइए कि आपको ये ड्राइवर कैसा लगा। अगर आप इसको लेना चाहते हो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाके इसको मंगवा सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है घंटे वाला जो निशान है उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट फ्यूचर स्टेप की कोई वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।